नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ एमन शो और आप देख रहे हैं के न्यूज। और आप नजर आते हैं इस वक्त की 10 बड़ी खबरों पर। बिजली कटौती से दो गुना हुआ गर्मी का कहर, पूरे उत्तर भारत में लू का अलर्ट हुआ जारी। राजद्रोह में जेल में बंद राणा दंपति की जमानत पर फैसला आज, पुलिस ने कहा सरकार गिनाने का था प्रयास। साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए तैनात होंगे एक्सपर्ट, थानों को आधुनिक संसाधनों से किया जाएगा लैस। कानपुर में आज प्रधानों से वसूली के आदेश, वृक्षारोपण में हुई थी धांधली, जांच में दोषी पाए जाने पर डीएम ने की कार्यवाही। प्रयागराज में चपरासी खा गया 52 क्विंटल अनाज, मदरसे के प्रधानाचार्य ने चपरासी के खिलाफ दर्ज कराया मुकदमा, फर्जी हस्ताक्षर कर मिड डे मील के अनाज में फर्जी वाड़ी का आरोप। एसी लोकल ट्रेन के किराए में 50% की कमी, 5 किलोमीटर के लिए देने होंगे सिर्फ 30 रुपए। जल निगम कर्मियों के रुके वेतन को देने होगा आदेश, 15,000 कार्यरत और रिटायर्ड कर्मचारी को फरवरी और मार्च का वेतन नहीं मिला था। देश में 24 घंटे में मिले कोरोना के 3,688 मामले, 18,000 के पार हुए एक्टिव के। 2022 का पहला सूर्य ग्रहण आज, शनि अमावस्या में बन चल रहा है स्वास्थ्य सहयोग। धोखाधड़ी मामले में सीबीआई की कार्यवाही, मुंबई और पुणे में आज जगहों पर चल रहा है छापेमारी।